नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही तैयारियाँ? UKJS, BJS, GJS के एग्ज़ाम आपके आ चुके हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, बस लग जाइए तैयारी में। अभी इन दिनों रिजल्ट आए थे और सरप्राइजिंग रिजल्ट थे। मतलब जो स्टूडेंट ने RJS इंटरव्यू क्वालिफाई किया, उसी बच्चे ने हरियाणा भी क्वालिफाई किया और उसी बच्चे ने दिल्ली भी क्वालिफाई किया, उसी बच्चे ने MP भी क्वालिफाई किया। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने इस बार 2022 से 2023 के बीच में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार इंटरव्यू क्वालिफाई किए हैं। ये उनके लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आप लोग भी कर सकते हैं, वो भी आप ही की तरह स्टूडेंट हैं। उनके पास वो चीज़ें जो आपके पास नहीं है, और वो है डेडिकेशन। यदि वो डेडिकेशन आप रखते हो तो आप भी कर सकते हो। कई बार बच्चे मुझे कहते हैं हमें तो एक स्टेट ही चाहिए। अरे बेटा, इट्स ओके, बट प्रिपरेशन सबकी करो। घाट घाट का पानी पियो, पेट भरेगा 100%। हम एक ही जगह रह जाते हैं, उसकी जगह में कभी तृप्त नहीं हो पाते हैं और हम जो हैं उसको कर ही नहीं पाते हैं। तो ये प्रैक्टिस है, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपकी प्रैक्टिस मनुष्य को परफेक्ट बनाती है। और मोर देन वन स्टेट का इंटरव्यू निकालना अपने आप में एक अचीवमेंट है। ज्वाइन आपको एक ही करना है, बट आप अपने लिए खुश रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस जो है आपको इजी करेगी एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, इसी कड़ी में सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस ने भी बहुत सारी चीज़ें नई लेके आई हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए मेरे पास, वो ये है कि हम लोगों ने एक टेस्ट स्टार्ट किया है। जैसे कि एग्ज़ाम में होता है वैसे ही किया है, जैसे ये RJS का है। तो हमने क्या किया कि RJS का प्री एग्ज़ाम जो है हम हमारी कोचिंग में कर रहे हैं हर महीने। तो आप जोधपुर आकर भी दे सकते हैं, जो जोधपुर में रह रहे हैं वो क्लास आके दे सकते हैं। और इसको हमने ऑनलाइन को भी ऑफ ऑनलाइन भी रखा है। इसको ऑनलाइन में कंप्यूटर पर नहीं मिलेगा, ये PDF फाइल आपको एक दिन पहले मिल जाएगी, आप प्रिंट आउट निकाल लें। ओमर सीट आपको मिल जाएगी, आप प्रिंट आउट निकालें। फिर आपको झूम की ID पासवर्ड मिलेगा, जिसमें आपको हमारे साथ क्लासरूम में बैठना है। यानी आप हमें यहाँ लाइव दिखते रहोगे, मैं आपको दिखते रहूँगी, आप मुझे, ताकि वो ऑनेस्टी कि आप घर बैठ के भी ऑफलाइन दे सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटर में चलाने वाला नहीं, ऑप्शन वाला नहीं, गोला भरने वाला। क्योंकि एग्जाम में हम गोला भरना ऑनलाइन में टकटक कर लोगे, वहाँ गोले भरने में गलतियाँ कर दोगे, पूरी सीरीज गोले की गलत कर दोगे, जिनका ऑफलाइन एग्जाम होता है, राइट। तो यहाँ पर जो है आप जोधपुर आकर भी दे सकते हैं। जब वो पेपर होता है तो पूरे 2 घंटे रहेगा, ऐसा नहीं कि पेपर खत्म हो गया जाऊँ, नहीं। इसमें जब तक पेपर खत्म नहीं होगा आपको यहीं बैठे रहना है, आपके पास कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई बैग नहीं होगा, आपको 2 घंटे चुपचाप बैठना है। पेपर खत्म होने के बाद भी बैठना है। वो बाद में बैठने का मतलब होता है एनालाइज करना कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, मैं उसे कैसे ठीक करूँ, ठीक है। और फिर उस ओमर सीट में मुझे लिखना है, पीछे लिख के देना है कि मैडम मैंने इस एग्जाम में ये गलतियाँ की है, मेरी ये कमियाँ लगी, मुझे इस को इम्प्रूव करना है। क्योंकि इसका मेरे पास बेस्ट एग्जाम्पल है कि लास्ट मंथ जिस बच्ची ने एग्जाम दिया उसके सिर्फ 25 मार्क्स थे, इस महीने उसने 1 महीने मेहनत की, उसके 52 आए। यानी वो खुद कहती है कि उसको 1 महीने में अपने रिजल्ट में उसको क्या दिखा, इम्प्रूवमेंट दिखा। तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम आपके इम्प्रूवमेंट के लिए है। इसकी फीस ओनली 250 रुपीज़, यानी सिर्फ 250 रुपये इसकी फीस है हमारी, ठीक है। और यहाँ पर आप जोधपुर आकर भी दे सकते हैं, आप घर बैठ के भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जोधपुर में बैठे हुए दे, और ये ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन में आप देखेंगे, मैं वो बड़ा करती हूँ इसको, ये देखो ऑनलाइन के अंदर आप ऐसे लाइव रहेंगे, थोड़ा सा बड़ा करने से दिख नहीं रहा होगा आपको, तो यहाँ पे आप मुझे दिखते रहेंगे। आप घर बैठ के भी मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको वहाँ पर भी वॉच करती रहूँगी कि यस आप पेपर दे रहे हैं कि नहीं। इसका टाइमिंग है 11 से 1 बजे, जैसे अपने एग्जाम का टाइमिंग होता है 11 से 1 बजे का रहता है। डेट इसकी है 29 अप्रैल 2029, क्योंकि अभी फरवरी में एक हुआ हमारा, मार्च में भी हो गया, अभी तीसरा है। ये पेपर जो होता है, जो मंथली रहता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में रहती है। ये जो पेपर होता है इसमें पहला क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप होगा, फिर हिंदी में टाइप होगा, ठीक है। 70 क्वेश्चन अपने लॉ के होते हैं, 15 क्वेश्चन अपने इंग्लिश के, और 15 क्वेश्चन हमारे हिंदी के होते हैं। ये जो एग्ज़ाम करने का हमारा उद्देश्य वो है इम्प्रूवमेंट करना, कि कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं अगले एग्ज़ाम से पहले। फीस इसकी बहुत ही नॉमिनल है, ओनली 250 रुपीज़ इसकी फीस है, ज़्यादा इसकी फीस भी नहीं है। अब आता है कि मान लीजिए आपको इसको ज्वाइन करना है, तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो इसको ज्वाइन करने के लिए इसमें मेरा नंबर दिया हुआ है,
9950574260, इस पर आप मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे कि मैडम मुझे ये वाला ज्वाइन करना है। फिर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम देने आओगे तो फॉर्म तो भरना ही होगा। फिर आप फीस सबमिट करोगे, फिर स्क्रीनशॉट भेजोगे, फिर आपका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी अपनी लिस्ट में। फिर जैसे पेपर आएगा उससे एक दिन पहले आपको ओमार सीट मिल जाएगी और आपको पेपर मिल जाएगा। आप जोधपुर में हो तब तो आपको यहीं ऑफलाइन ही पेपर मिलेगा, ऑफलाइन ही ओमार सीट मिलेगी प्रिंट आउट। लेकिन अगर आप ऑनलाइन है तो आपको खुद को प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। फिर आपको जूम की आईडी और पासवर्ड मिलेगी और देन आपको ये पेपर देना है। पेपर देने के बाद आपका पेपर सबमिट होगा, फिर आपके सबके मार्क्स आएंगे, फिर रैंकिंग दी जाएगी, आपको बताई जाएगी, आपको रोल नंबर अलॉट किए जाएंगे, नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, आपको रोल नंबर अलॉट किए जाएंगे, उसी रोल नंबर से लिस्ट आएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ से कट ऑफ जारी होगी कि मिनिमम इस पेपर को आप कितने मार्क्स तो लाने ही हैं, और उसके अलावा दूसरी कट ऑफ जारी होगी, यानी मिनिमम भी होंगे और दूसरी कट ऑफ भी जारी होगी। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन को और मजबूती देने के लिए, ताकि आने वाला आरजेएस का एग्जाम आप प्री इजी वे में निकाल सकते हैं। तो ये हर महीने चलेगा, आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और आप कॉल और मैसेज करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक इसी कड़ी में, जैसे कि ये आरजेएस का है, ऐसा ही अभी हाल ही में हमने तीन और जारी किए हैं, इसको हमने तीन और किए हैं इसको, और हमारे पास तीन आ रहे हैं हमारे सेम टू सेम। हमने स्टार्ट किया है बिहार जुडिशरी का। बिहार वालों, आपके लिए भी हमने जो है इस पैटर्न को तैयार किया है, और बिहार में हमने दो पेपर रखे हैं, एक पेपर जीके का और एक पेपर लॉ का, ऐसे दो है। बिहार का पेपर होगा 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को होगा बिहार का पेपर, 9 से 11 मॉर्निंग के अंदर, क्योंकि आप सब तो बाहर ही हैं तो ऑनलाइन क्या बोलते हैं आपको ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन मिल जाएगा, पीडीएफ आप निकाल लेना, ओमार सीट अपनी निकाल के बैठना और रहेंगे लाइव मेरे साथ, मैं आपको वॉच करती रहूँगी यहाँ से, ठीक है। घर बैठ के भी आप क्लासरूम जैसा पेपर देंगे, और 12 से 2 बजे होगा आपका लॉ का पेपर। और बिहार में जब दो पेपर, इसकी फीस 400 रुपीज़ है। इस 400 को आप सबमिट कैसे कराएंगे, वही जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये फीस जो है आप मुझे बाय रजिस्ट्रेशन फ़ोन करके मेरे से फॉर्म ले सकते हैं और अकाउंट नंबर ले सकते हैं और सबमिट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 12 अप्रैल को आपका पेपर होगा। उसके बाद हम चलते हैं सेम टू सेम, यही हमने पेपर स्टार्ट किया है हमारा। बिहार के बाद आते हैं हम, ये का ये पेपर हमारे यूके का है, यानी उत्तराखंड वालों के लिए भी ये पेपर है। उत्तराखंड वालों के लिए पेपर है ये 8 अप्रैल को, यानी आने वाली 8 अप्रैल को है। उनका टाइमिंग है 11 से 1, यानी 11 से 2 बजे तक होगा ये पेपर, और जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें लॉ भी होगा, जीके भी होगा, इंटरनेशनल लॉ के जो अफेयर्स हैं वो भी होंगे, और साथ में करंट जीके भी होगा, यानी बिल्कुल वही पैटर्न होगा जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन सेम टू सेम प्रोसेस रहता है, वही आप मुझे फॉर्म भरेंगे, अकाउंट में फीस सबमिट करेंगे। उत्तराखंड की फीस ओनली 250 रुपीज़ है, ठीक है, आप उत्तराखंड का भी ले सकते हैं। बिल्कुल ये का ये हमने रखा है गुजरात का भी, गुजरात का भी पेपर है। गुजरात का जो पेपर है उसकी डेट है 7 अप्रैल, गुजरात का ये पेपर होगा हमारा 7 अप्रैल को। गुजरात का पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा, क्योंकि गुजरात का पेपर प्री इंग्लिश आता है, जबकि बिहार हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, उत्तराखंड हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, राजस्थान हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, बट गुजरात का पेपर होता ही इंग्लिश में है, इसलिए ये पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, लॉ होगा इसके अंदर, साथ में इसमें जीके भी होगा, कंप्यूटर भी होगा, इंग्लिश भी होगा, ठीक है, रीजनिंग भी होगी, जैसा पैटर्न आता है उसी पैटर्न में होगा। इसकी डेट हमने रखी है 7 अप्रैल, इसका टाइमिंग भी 11 से 1 बजे तक का है। इसमें भी जूम की आईडी पासवर्ड मिलेगी, यानी फिलहाल हमने हर स्टेट के लिए, जो 4 स्टेट के एग्जाम आए, तो जैसे जैसे एग्जाम आते रहेंगे वैसे वैसे हम प्री एग्जाम कराते रहेंगे, तो 4 स्टेट के लिए हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। तो इसको ज्वाइन करने आप चारों ज्वाइन कर सकते हैं, 250, 250, 250, 400 जो फीस है वो देनी है चारों की। ये एक पेपर की फीस है, जब सेकेंड मंथ वापस देना है तो फिर से अलग से फीस देनी, क्योंकि नॉर्मल चार्जेस है 250 रुपये, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे फॉर्म ले सकते हैं, अकाउंट नंबर ले सकते हैं, और सबमिट करके आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा आपके नेक्स्ट प्रिपरेशन में, कि मुझे इसमें क्या गड़बड़ियाँ की, मैंने पढ़ना है, क्योंकि कई बार हम खुद से पेपर सॉल्व करते हैं पर चीज़ें दिखती नहीं है। अब इसमें जब पेपर खत्म होने के बाद भी बैठा रहना है, जब तक टाइम कंप्लीट नहीं होता है, तो उस दौरान आपको अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करने का समय मिलता है। तो ये आप पेपर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और आपकी कोई क्वारी है तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ये टेस्ट पेपर है, ठीक है, और कोई क्वारी है तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।